नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी पटना से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसमें शराब माफियाओं ने अब जो है अपने धंधे का स्वरूप बदल दिया है। वो ट्रक की अपेक्षा अब ट्रेन के पार्सल से अपनी शराबें बाहर के शहरों से मंगा रहे हैं। जक्कनपुर पुलिस को इस मामले की एक खबर लगी कि बाहर से शराब आज ट्रेन से पटना पहुंच रही है। जक्कनपुर पुलिस जो है पटना स्टेशन पर छापेमारी करने पहुंची, शराब बरामद करने पहुंची। इसी बीच शराब माफियाओं को इसकी भनक लग गई और उन्होंने पुलिस पर ताबातोड़ फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग किया है, एक राहगीर को गोली लगी है। और क्या है ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और राहगीर की मां क्या कुछ कह रही है आप देख लीजिए। लगा है कहाँ है वो? कितना गोली लगा है? एक गोली लगी। क्या करता है बच्चा आपका? रिक्शा चलवा। क्या कर रहा है? 6:30 का लमसम होगा। क्या कर रहे थे आप? दुकान में बैठे थे। ठीक, क्या हुआ? वो पुलिस वाले अपना फायरिंग कर रहे थे, उधर से जो गोला वगैरह चल रहा था जो भी इतना ही है घटनाक्रम हो गया। ठीक है, फायरिंग कहाँ कहाँ पे हुई? स्पॉट से हुआ था। ठीक है, और इस तरफ कितनी हुई टोटल फायरिंग? 2 या 3 हुई। 3, और उधर से पहले भी फायरिंग हो रही थी? फायरिंग की आवाज उधर आई है। तो आपने देखा, शराब माफिया जो है बिहार के, उनके मन में पुलिस का भी डर नहीं है। जक्कनपुर पुलिस पहुंची थी शराब माफियाओं के शराब को बरामद करने के लिए, पुलिस पर सीधा फायरिंग उन्होंने किया और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की है। एक राहगीर को गोली लगी है, जो अभी तक सूचना मिल रही है राहगीर को गोली लगी है, उसे अस्पताल भेजा गया है। राहगीर की माँ क्या कही है ये भी हमने आपको सुनाया और आगे इसमें क्या खबरें मिलती हैं ताजा रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।